लेकिन जंग का जो इतिहास है भारत पाकिस्तान के बीच, और जंग ही के साथ साथ जो सर्दी का मौसम है वो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। हमारे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, ये भी बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इन दोनों के बीच क्या इतिहास है जो जुड़ा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो हालात बने हैं वो लगातार हर साल इसी तरीके के हालात होते हैं। और सुमेरा, ये भी जान लीजिए कि ये सर्दियों में जंग के मौसम के हालात कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि ना सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन करा दिया जाए बल्कि वहां पर अपने आतंकियों को। और सर्दियों के इतिहास में चाइना की तरफ अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि सर्दियों में जंग के मौसम में 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में 3 और 4 अक्टूबर को यह शुरुआत की गई थी, और 1962 के अंदर भारत और चीन युद्ध भी 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक लड़ा गया था, और 71 के अंदर भी सुमेरा भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच लड़ा। 1999 करगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध में भी दिसंबर 1998 में तैयार जंग की जमीन तैयार की थी पाकिस्तान ने। सुमेरा जी हाँ, और यही बड़ी बात है कि किस तरह से हम अब तैयार हैं। बिट्टा जी, लेकिन ये पाकिस्तान को याद दिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, जो मनीष भी जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान को डर सता रहा है, पाकिस्तान को डर सता तो रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम बहुत तैयार हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि बार बार हिंदुस्तान ने हर चीज का जवाब दिया है। दीनानगर और पठानकोट की घटना हम बता रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो दुबई से सीधा पाकिस्तान गए। मेरे जैसा व्यक्ति, कोई भी फौजी नहीं महसूस कर सकता था कि प्रधानमंत्री ऐसा कदम उठा सकते, पर गए। किस लिए गए? कि हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है। हमारे पे शक मत करो, इंसान उधर भी है पाकिस्तान में, इंसान इधर भी बसता है, जात पात का कोई फर्क नहीं है, इंसान तो इंसान है। पर क्या किया पाकिस्तान ने 10 दिन के बाद? दीनानगर पठानकोट की घटना, हमने समझौते की बात की, पर पठानकोट ने दीनानगर पठानकोट की घटना को करके कह दिया कि हम आतंकवाद समाप्त नहीं करेंगे, हम गोलाबारी याद ताजा रखते करेंगे। क्या हुआ उसके बाद? आज तक गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है। और इनकी गलतियों से अगर हमारे 40 जवान शहीद ना होते, शायद 370 धारा ना हटती। 40 जवान तो शहीद हो गए, पर सदा के लिए इन आतंकवादियों का काम तमाम करके चले गया। अब आतंकवादी भेजते हैं, रोज भेजते हैं, रोज ठोकते हैं इनको। हाँ, हमारे जवान भी 2 शहीद होते हैं, पर इनके 15-20 ठोकते हैं। चाइना के अंदर आपने देखा क्या हुआ? एक गुरतेज सिंह 25-30 चैनिकों को कृपान से मौत के घाट उतार दिया। ये हिंदुस्तान की फौज है और आज की राजनीति इच्छा शक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी ने बताई है। जो आप जिक्र कर रहे हैं क्या है बेटा जी, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे बार बार इस तरह की हरकतें की हैं, जिस वजह से ये हालात हैं इस समय भारत और पाकिस्तान के संबंधों के, पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या कब कब किया गया है, ये एक बार फिर बताते। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।